देर इज ए क्वेश्चन, हम सब लोग फ्रीडम चाहते हैं, फ्रीडम के लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन देखेंगे तो ये जीवन तो हमारा हाथ में नहीं है, ऐसा लगते हैं। ऐसा क्यों है? एक साइड में स्पिरिचुअलिटी में फ्रीडम के लिए हम चाहते हैं, दूसरा साइड में हमको वो फ्रीडम नहीं है। वी हैव बीन कंट्रोल्ड, वी हैव बिकमिंग ए स्लेव टू द सिचुएशन, इस तरह का आते हैं। ऐसा क्यों है? यह है सवाल। इसका जवाब यह है कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम लिखने के समय में हमको फ्रीडम होते हैं क्या बाहर जाने का? हम उधर का जो टीचर को पूछेंगे, टीचर हम बाहर जाना चाहता हूँ, तो उधर का टीचर है वो आपको अलो करेंगे क्या बाहर जाने के लिए? क्योंकि आप बाहर जाएंगे तो आप किताब देखेंगे, आप किसी से गाइडेंस मांगेंगे, किसी को क्वेश्चन का जवाब मांगेंगे, इसलिए उधर अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन वो एग्ज़ाम कौन चुने हैं? आप ही तो चुने हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम लिखने के द्वारा आप हायर क्लास में जा सकते हैं, है कि नहीं? तो आपको फ्रीडम है कि नहीं है? आपको फ्रीडम नहीं है, क्योंकि आप खुद चुने हैं उस एग्ज़ाम को। जब एग्ज़ाम को चुने हैं तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो माय फ्रेंड्स, हम सब लोग ऊर्ध्वलोकों में लाखों साल से थे, 10 लाख साल से थे, 10 लाख साल से रहे वह एक आत्मा ये धरती में 80 साल के लिए, 100 साल के लिए चुन के धरती में आया। तो 4 लाख साल में जो 80 साल का जो जीवन है, कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। लेकिन 80 साल के जीवन को हम इसलिए चुने हैं कि हम एग्ज़ाम देने के लिए, ताकि हम जो भी सीखे हैं वो ऊर्ध्वलोकों में उसको हम पास कर सकते हैं कि नहीं। अगर इस एग्ज़ाम हॉल में हम आके लिखना है तो तरह तरह सिचुएशंस आएगा, तरह तरह रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आएगा, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आएगा, एवरी डे विल हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस दिस अर्थ प्लेन। इस समय में जब आपको दुख आएंगे, जब आपको अपमान होंगे, जब आपको कड़वी अनुभव आएंगे, तब आप क्या करेंगे? ये आपका एग्ज़ाम है, इसलिए आपको लगते हैं कि हमारा हाथ में जीवन कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि इधर वो एग्ज़ाम को चुन के आया है आप ही है, ये धरती का लाइफ को चुन के आया, ये धरती का लाइफ है, सब तरह का अनुभव आपको देंगे, आपको पूर्णात्मा को सभी तरह का अनुभव चाहिए, वो पूर्णात्मा आप ही है और अंशात्मा भी आप ही है। धरती में आके आप तरह तरह का अनुभव ले रहा है, जो भी अनुभव आप पा रहे हैं ये अनुभव सब कुछ पूर्णात्मा को पहुँच जाएगा, वो पूर्णात्मा अपना अनुभव को बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा। कोई भी अनुभव है, इधर हार और जीत दोनों नहीं होते धरती में, अनुभव होते हैं। सो ये सभी अनुभव आपको चाहिए तो आपको एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा, एग्ज़ाम ले जाएंगे तो फ्रीडम नहीं होते हैं। तो उस फ्रीडम को छीन लिया कौन? खुद ही ये टेस्ट पास करना के लिए। तो कोई भी चीज़ हमको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि नीचे से देखेंगे तो सभी समझ में नहीं आएगा, ऊपर से देखना पड़ेगा, आत्मा का लेवल से देखना पड़ेगा। सब तरह का सवाल हमको ये माइंड के द्वारा उत्पन्न होती है, लेकिन इसका जो जवाब है आप हाइयर लेवल ऑफ एंगल से देखेंगे, एक पूर्णात्मा का लेवल से आप देखेंगे तो सभी तरह सवालों का जवाब आपको मिल जाते हैं।
तो उस एग्ज़ाम हॉल में आपको अपने इंट्यूशन पर डिपेंड होना है। उस समय आप पूर्णात्मा के साथ कनेक्ट हो के वो जो नॉलेज आप 4 लाख साल में जो पाया है ये वो सब कुछ आप इधर जब सिचुएशन फेस करेंगे तब आप लिखना पड़ेगा। दैट इज़ अ चैलेंज इन अर्थली लाइफ। थैंक यू।